थाना इज्जत नगर क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 31 मई 2021 को एक 19 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी, जिसमें थाना इज्जत नगर बरेली पर 6 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। नामजद 4 अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा 20,000 के इनामी शेष अन्य 2 अभियुक्तों को इज्जत नगर पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। बेटी के साथ दरिंदगी करने वाले दरिंदे सलाखों के पीछे आला अधिकारियों के साथ साथ कई वृद्धजीवी संगठनों ने भी पुलिस की सराहना की है। 31 मई को एक छात्रा जो कि दलित है अपने दोस्त छात्रों के साथ स्कूटी से घूमने के लिए निकली थी, जिसको यूपी बरेली में हवस का शिकार बनाया गया था। इज्जत नगर थाना अंतर्गत भगवानपुर धीमरी गांव के रहने वाले आधा दर्जन शैतानों ने लड़की के दोस्तों की पिटाई करने के बाद लड़की को झाड़ियों में खींच लिया और उसके साथ सामूहिक बलात्कार की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था। बरेली से ब्यूरो चीफ अब्दुल हसन सिद्दीकी के साथ अकरम खान की रिपोर्ट। थाना इज्जत नगर के अंतर्गत 31 मई को एक 19 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी, जिसमें युवती के द्वारा 5 जून को 6 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर पूर्व में 4 जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और इसी क्रम में 2 और नामजद जो अभियुक्त शेष थे उनके ऊपर 20,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। उन दोनों ही को गिरफ्तार किया गया है और उन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।